हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी शक्ल की ना 12 बज चुके हैं, लिटरली इतनी मिट्टी पड़ी है मेरे। वाला मेरा व्लॉग बहुत ही रैंडम व्लॉग है, मतलब एकदम ऐसे अनप्लान ट्रिप होता है ना, वो बन रहा है। और हम मतलब ना अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए थे कि कौन सी एग्जैक्ट जगह पर जाएँ। मैं साधु पुल, सोलन में ये जगह है साधु पुल। और मेरा प्यारा ऐसे यहाँ पे नदी बहती है, लेकिन कितने खुशमत हो ना, कोई बहुत ज़्यादा साफ पानी नहीं है, मिट्टी वाला पानी है पूरा, पर मस्त पानी, एकदम ठंडा ठंडा। और कैंप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, मैं कैंप्स दिखाती हूँ अभी। पहले हम लोग पूछेंगे कहीं पे जाके, हमें पता नहीं है कहाँ पे स्टे करना है। तो ये रहा टेंट, यहाँ पे नॉर्मल सा टेंट है, बहुत कुछ भी नहीं है, कोई अलमीराज नहीं है, आपको बैग ऐसे ही रखने पड़ेंगे, बिकॉज यही आपको बजट में मिलेगा। रात के 9 बजने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं चिप्स लेने माऊ, क्योंकि मेरे को खाने अंकल चिप्स। लेट्स सी यहाँ पे शॉप खुली हुई है कि नहीं खुली हुई है, बट आई गेस 9 बजे तो खुली होगी। तो कुछ भी नहीं है, कोई शॉप ओपन नहीं है यहाँ पे। मैं ढूंढ रही हूँ मुझे अंकल चिप्स खाने हैं, सारी शॉप्स बंद है 9 बजे से पहले, मुझे नहीं लगता कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, कोई होप नहीं है। मिल गई शॉप, फाइनली चिप्स वाली शॉप मिल गई हम लोगों को। यहाँ पे वाइन वाली शॉप भी है, बट चिप्स। मुझे लगता नहीं है मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कि तुम लोगों को खुद ही दिख रहा होगा मेरी शक्ल पे ना, ये ना कि मच्छरों ने मेरा कैसा लहू पिया है रात को। ये देखो लहू पी दिया है, मतलब जिसको बोलते हैं ना, कल रात को ऐसी हालत कर दिया मेरी, क्योंकि मैंने पूरी बॉडी पर ओडोमोस लगाया था, लेकिन मैंने फेस पर तो नहीं लगाया था। पहले बता दूँ कि यहाँ पर मच्छर बहुत होंगे, स्पेशली इन टेंट्स में बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये ना बहुत कैंपिंग टाइप वाले टेंट्स हैं, बहुत ओपन स्पेस है, मतलब इसमें इधर नीचे भी काफ़ी ओपन स्पेस है, मच्छर आ सकते हैं, चींटियाँ आ सकती है, कुछ भी, बिल्कुल ऐसा ना, ऐसा जंगल वाला टाइप है यहाँ पे सीन। और इवन जो वॉशरूम है अंदर, वो भी टेंट से थोड़ा सा हट के, तो वॉशरूम में भी काफ़ी सारे मच्छर थे। ये देखो बादल,
वहाँ पे वो किचन है, आप कभी भी वहाँ पे जा सकते हो, आपको जो मर्जी चाहिए, गर्म पानी नहाने को चाहिए, आपको पीने को चाहिए, व्हाटएवर, आप वहाँ पे, यहाँ पे कोई रिसेप्शन नहीं होती है, आप डायरेक्ट वहाँ पे आपको जो भी मिलेगा बस उनसे आप कुछ भी मांग सकते हो। दिस इज द व्यू, यहाँ पे मस्त हवा चल रही है एकदम। पिछले व्लॉग में मेरा मजाक उड़ाया था सबने कि मैंने ऐसा बोला है कि सुबह उठ के सब परांठा ही खाते हैं, पर मेरा बोलने का मतलब ये था कि मैं ज़्यादातर ये प्रेफर करती हूँ कि मैं आलू का परांठा ही खाऊँ, मेरे को कोई और ऑप्शन मिलता ही नहीं है। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, हमने इनसे पूछा कि ओके ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, इन्होंने बोला परांठा ही मिलेगा। बाकी है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं चायल टेम्पल, मतलब चायल में काली टिब्बा एक टेम्पल है, बहुत सुंदर है यार। ये जहाँ पे हम थे साधुपुर में, वहाँ से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वैसे हमेशा इधर को, पर अभी दिख नहीं रहा है कुछ भी क्योंकि पूरी फॉग रखी और इतनी ठंड है ना यहाँ पे, इतनी ठंड। अगर मैंने कल ये कपड़े नहीं लिए होता ना शायद मैं ट्रिप पे भी नहीं आ पाती, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे आना होगा ना। तो पक्का कुछ भी स्वेटर्स वगैरह पक्का लेके आए, बहुत ज़्यादा ठंड है। जय भगवान जी।
भीड़ दिख गई मुझे, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जहाँ भीड़ दिख गई ना वहाँ से भागना पड़ता है। दिस इज इट, एंड ऑफ द व्लॉग, इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं मैं घूम सकती, अब मेरे को घर जाना है वापस, मन नहीं कर रहा है इस जगह से जाने का। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा एकदम, बहुत अच्छा। पर मतलब मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, हम तो ऑलरेडी है ना, तो मेरे को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शिमला में तो ऐसा ही वेदर है, बिल्कुल मस्त एकदम। पैलेस में आप नीचे घूम सकते हो, ऊपर वाले सारे रूम्स, महाराजा रूम, महारानी रूम, पता नहीं क्या क्या कॉटेजेस वगैरह, बहुत कुछ है यहाँ पे रहने को, सबके अलग अलग प्राइस है, 10,000, 25,000, 4,500 से यहाँ पे स्टार्ट है, 4,000 से स्टार्ट है यहाँ पे। अंदर डाइनिंग भी होती है, रेस्टोरेंट है, आप खा सकते हो। हम लोगों को ये भूख तो लगी है, खाना चाह रहे थे, हम बैठ गए थे वहाँ पे, ऑर्डर भी कराने लगे थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि सिर्फ पेमेंट कैश में होती है, कैश तो हमारे पास है नहीं, मेरे पास तो गूगल पे है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बाहर कुछ खाते हैं, देखते हैं मैगी और समथिंग, यू नो, बिकॉज़ ठेले पे सब कुछ होता है, कैश पे एंड गूगल पे। ओके, यहाँ पे खाना खाते हैं अब, इस जगह पे ऐसा व्यू है कि यहाँ पे फाइनली हम लोगों को वाईफाई मिल गया है, वाईफाई जरूरी था, कहीं भी नेट नहीं चल रहा है मेरा। सोच ही रहे थे कि खाना कहाँ खाएं भाई, खाना कैसे खाएं, कैश रखा करो यार अपने पास, मेरा तो कैश सारा खत्म हो गया, तो लेट्स हैव समथिंग। गाइस, एंड ऑफ द व्लॉग, बहुत ज़्यादा दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि अब मैं इस जगह को बाय बाय बोल रही हूँ।